नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप मेरे पास एक नॉर्मल से एम्पलीफायर मशीन देख रहे हैं, तो इसी एम्पलीफायर मशीन को आज हम सबवूफर एम्पलीफायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी ये नॉर्मल सा स्टीरियो एम्पलीफायर है। ठीक है, इसका डिटेल्स में वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप वहाँ पर इसके डिटेल्स वीडियो देख लीजिएगा इस बोर्ड के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इसको सबवूफर एम्पलीफायर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये जो बोर्ड है ये मोनो बोर्ड है, और यहाँ पे एक सप्लाई भी लगी हुई है, और यहाँ पे एक स्टीरियो बीटी बोर्ड लगी हुई है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे इस बोर्ड के साथ, अब हम क्या करेंगे, एक लो पास फिल्टर बोर्ड लगाएंगे। ये देखिए, ये वाले लो पास फिल्टर बोर्ड हम इसमें लगा लेंगे, और साउंड के लिए, ऑडियो के लिए, देखिए इसमें जब हम इसमें लो पास फिल्टर लगा देंगे तो ये सिर्फ बेस देने लगेगा, और साउंड के लिए हमें एक और 7297 बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डबल चैनल वाली छोटी सी बोर्ड है, उसको हम यही कहीं फिट कर लेंगे। तो दोस्तों, क्या करते हैं, पहले हम इसकी साउंड सुनते हैं, ये अभी किस तरह से बज रहा है, और जब हम इसमें लो पास फिल्टर लगाएंगे उसके बाद ये किस तरह की बजता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको प्ले करता हूँ, प्ले करके इसकी नॉर्मल साउंड में आपको सुना देता हूँ कि अभी ये किस तरह से बज रहा है। ठीक है, ये देखिए, इस मशीन का डिटेल्स वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही डाली हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप वहाँ पे इसके डिटेल्स वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसको प्ले करते हैं, प्ले करके इसकी जो साउंड है, अभी का जो साउंड है उसको हम सुन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसमें लो पास फिल्टर बोर्ड लगा लेंगे, और एक 7297 का बोर्ड लगा देंगे, जिससे 2.1 की एम्पलीफायर मशीन बच जाएगा सबवूफर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको प्ले करता हूँ। तो आप देखिए दोस्तों, मशीन हमारा ऑन हो चुका है, इसमें मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया, तो अब हम एक सॉन्ग इसमें प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके साउंड को भी सुनते हैं। ये जो सबवूफर वाली बोर्ड है दोस्तों, ये सिर्फ सिंगल ही आउटपुट देता है, डबल आउटपुट ये नहीं देता, सिंगल चैनल की। ये ब्रिज मोड पे बनी हुई है, चारों ट्रांजिस्टर जो है ये 5243 लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप, मैं इसका नॉर्मल साउंड सुन लिया, अब मैं इसमें लो पास फिल्टर लगा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका साउंड दोबारा सुनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें लो पास फिल्टर और 7297 बोर्ड इसमें लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम इसमें सबवूफर लो पास फिल्टर लगाएंगे, और दो स्पीकर और एक सबवूफर बजाना है, तो हमें इसकी जो वायरिंग है, ये स्पीकर वायर और ये जो पावर सप्लाई वायर जो है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ये पावर सप्लाई वायर जो है इसमें नहीं चल पाएगा, जब अपन सबवूफर चलाएंगे 12 इंची का या 15 इंची का, तो दोस्तों ये वायर लोड नहीं झेल पाएगा, ये गर्म हो जाएगा और साउंड भी अच्छा नहीं आएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम ये पावर सप्लाई का वायर चेंज कर लेंगे, इसमें मोटी वायर लगा देंगे 1 mm या 1.5 mm का। ठीक है, और दोस्तों क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो बीटी बोर्ड है, इसके कनेक्शन यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, इस वॉल्यूम पे है अभी, यहाँ से हटा देंगे या अलग कर देंगे। अलग करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वाले बीटी बोर्ड का हम 7297 बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे, और इस वाले बोर्ड पे हम लो पास फिल्टर बोर्ड लगा देंगे। लो पास फिल्टर बोर्ड ये है, ये वाले लो पास फिल्टर बोर्ड लगा देंगे। ठीक है, और ये वाली बीटी में हम क्या करेंगे, इस वाली बीटी में हम लगा देंगे आपका 7297 का जो सिंगल आईसी बोर्ड है, डबल आउटपुट के, डुअल आउटपुट के, वो वाली बोर्ड हम इस बोर्ड के साथ लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आसान है। तो मैं दोस्तों क्या करता हूँ, इसकी जो पावर सप्लाई के वायर है उसको चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है 7297 सिंगल आईसी वाली बोर्ड है, ये सेलकॉन का बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, इसी बोर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे ऑडियो के लिए, और बेस के लिए हम इसी बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल आईसी डबल आउटपुट की बोर्ड होती है। इसमें देखिए, मैंने वॉल्यूम कंट्रोल पहले से लगा रखा है, ये 12 वोल्ट इनपुट है, 12 वोल्ट की इनपुट यहाँ पर है, और दोस्तों इसमें एक 5 वोल्ट की आउटपुट भी इसमें 7805 ये लगी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों स्पीकर के बाहर जो है, स्पीकर जो है, एक स्पीकर यहाँ से निकलती है, एक स्पीकर यहाँ से निकलती है। ठीक है, चैनल 1 चैनल 2 दो चैनल के ये साउंड के आउटपुट देता है। ठीक है, और ये लगी हुई है, ये वॉल्यूम कंट्रोल मैंने पहले से लगा रखा है। तो दोस्तों, इस बोर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे ऑडियो के लिए,
हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी हो जाएगा। लो पास फिल्टर को हम यहाँ लगा देंगे। तो दोस्तों मैं इसका वायरिंग कर लेता हूँ और मैं इसका वायरिंग मैं आपको दिखा दूँगा कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों दोनों बोर्ड को मैंने खोल लिया है, ओपन कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से हमें पावर सप्लाई के जो वायर है इसे अलग करना है, इसके जगह पे हमें अच्छी वायर लगाना है, थोड़ा हैवी सा 1 mm या 1.5 mm का वायर भी लगा सकते हैं आप। तो इसको हम अलग कर देंगे, ये हमने सप्लाई वायर को अलग कर दिया है और इसके जगह पे हमने 1 mm की दो वायर ले लिए, कॉपर वायर है तो इसको हम वहाँ पे लगा देंगे। ये प्लस है, पॉजिटिव, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे और नेगेटिव माइनस पॉइंट को हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो इसका काम हमें हो गया है। और क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से ये जो स्पीकर का वायर है इसको भी हम अलग कर देंगे। ये दोनों को हम यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों। इस बोर्ड में सिंगल आउटपुट ही है, डबल नहीं है, सिंगल ही है, ये अलग होगा। तो ये वायर अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम स्पीकर के लिए इस्तेमाल करेंगे इसको। और जो रेड और ब्लैक वायर हमने यहाँ से निकाले थे जो पावर सप्लाई में लगा था, उसको हम लगा देंगे यहाँ पे। इसको हम ले लेंगे सब बुफार के आउटपुट के लिए, इसको लगा देंगे, ये होगा। अब इसमें हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसको हम दोबारा फिट कर देंगे, जैसा था वैसे के वैसे फिट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या करते हैं, अब ये जो हमारा वायर है, देखिए इसमें 6 वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा सब बुफर के लिए, स्पीकर 1 स्पीकर 2, ठीक है। हमें इसमें से कोई सी वायर काटना नहीं है, अलग नहीं करना, हमने सिर्फ ये पावर सप्लाई के लिए एक वायर अलग से डाल दी है, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों बोर्ड को हम दोबारा वैसे के वैसे फिट कर देते जैसा इसमें था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों लो पास फिल्टर को हमें कैसे लगाना है। देखिए इस वाले वॉल्यूम से हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए इसकी ऑडियो इनपुट है, ये वाला बोर्ड की जो ऑडियो इनपुट, ये मोनो बोर्ड की ऑडियो इनपुट जो इस वॉल्यूम के साथ लगी हुई है, तो इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे, और एक ब्लैक है, ठीक है, इसको हम यहाँ से अलग कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों ये वाले बीटी बोर्ड से जो वॉल्यूम हमारा लगा था इसके लिए, वो उसको हमने अलग कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये वाले बीटी बोर्ड का जो ऑडियो के आउटपुट है उसको हम ले लेंगे, हमारे ये 7297 बोर्ड हमने यहाँ पर लगा दिए, देखिए 7297 का जो बोर्ड है इसको हमने यहाँ पर लगा दिए। इसके ऑडियो इनपुट में इसके ऑडियो आउटपुट को हम लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से, ये देखिए ऐसे लगाना है हमें, ये यहाँ पर लगा देंगे हम, ये हो गया, ये देखिए दोस्तों। तो इसको हम आप दोबारा यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे स्पीकर के वॉल्यूम, ये वाला हो जाएगा हमारा स्पीकर के वॉल्यूम, ठीक है, दोनों स्पीकर के वॉल्यूम ये हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें लो पास फिल्टर लगाना है। ये हमारे लो पास फिल्टर बोर्ड है, ये ऑडियो इनपुट है, ये ऑडियो आउटपुट है, और ये 5 वोल्ट DC है। तो 5 वोल्ट हम कहाँ से लेंगे, 5 वोल्ट हम ले लेंगे हमारे 7297 जो बोर्ड है इसमें एक 7805 लगी हुई है 5 वोल्ट के लिए, तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। ये यहाँ पे 5 वोल्ट के आउटपुट है, तो इसको हम 5 वोल्ट यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है, ये जो हमारा लो पास फिल्टर बोर्ड है इसकी सप्लाई का वायर अपने कनेक्ट कर दिए हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमें ऑडियो इनपुट देना है, तो ऑडियो इनपुट हम कहाँ से लेंगे, ये देखिए ये यहाँ पर है हमारा, ये जो USB BT पैनल है उससे जो ऑडियो आउटपुट आए हैं इसकी ऑडियो इनपुट यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो वही से हम इसको इनपुट दे देंगे, ये यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से हम ऑडियो की इनपुट ले लेंगे हमारा लो पास फिल्टर के लिए, तो एक बार हम यहाँ पर लगा देंगे और दूसरी हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से, और एक बार और जो बची है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, ये हो चुका है। ये देखिए अब लगभग हमारा काम हो चुका है। अब हमारा ये जो लो पास फिल्टर से जो ऑडियो का आउटपुट निकाल रही है, सिंगल ही आउटपुट निकालती है यहाँ से, ये देखिए सिंगल आउटपुट है, यहाँ पर सिंगल आउटपुट निकालती है। और हमारा ये जो मोनो बोर्ड है इसकी जो ऑडियो इनपुट है उसके साथ हम पोटेंशियोमीटर लगा देंगे, एक एक पोटेंशियोमीटर हम लगा लेंगे, तो उसको हम इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर लगा लेंगे इसे, और दूसरी हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारे लो पास फिल्टर को जो आउटपुट है तो उसको हम लगा देंगे यहाँ पर, और ग्राउंड को हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, हमारा जो पूरे काम है वो हो चुका है। तो दोस्तों हमने क्या किया, ये वाला बीटी बोर्ड जो पहले इसके साथ लगा हुआ था उसको हमने हटा के हमारा ये 7297 के साथ लगा दिए, और हमारा जो मोनो बोर्ड है इसके साथ हमने एक लो पास फिल्टर बोर्ड लगा दिया है। तो ये बन चुका है 2 स्पीकर और एक सब ऊपर के लिए मशीन बन चुका है। तो दोस्तों देखिए, हमारा मशीन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको प्ले करके इसके साउंड को भी सुन लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा स्पीकर का वॉल्यूम, टेबल्स और स्पीकर का बेस ये है, ठीक है। ये स्पीकर का बेस है और हमारा जो सब ऊपर का बेस है वो ये है। तो इसको हम लगा लेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे, ये यहाँ पर जगह बची हुई है, तो यहाँ पर अपन इस वाले पोटेंशियोमीटर को लगा लेंगे, ठीक है। इससे हमारा जो सब ऊपर का बेस है वो कंट्रोल होगी, और ये वाला बेस जो है ये स्पीकर का बेस रहेगा, और ये टेबल्स हैं और ये स्पीकर का वॉल्यूम है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इसमें स्पीकर लगा लेते हैं और सब ऊपर लगा के इसके साउंड को भी हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे चैनल पे वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें 2 स्पीकर लगा दिए, स्पीकर ही नीचे रखा है। ये 5 इंच का स्पीकर है जिसमें 2 ट्विटर भी लगी है, और एक सब वूफर मैंने लगा दिए जो कि आपकी 12 इंची का पायनियर की है। और ये देखिए स्पीकर का वायर ये लगे, एक स्पीकर का वायर ये, एक स्पीकर का वायर ये है, और बुफर का वायर ये है। और मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी रख दी है यहाँ पे, जो कि 12 वोल्ट 7 एम्पियर, ठीक है। और हमारा मशीन ही कंप्लीट है। तो अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम नॉब नहीं लगाए, चलो लगा देंगे। ये ऊपर जो है दोस्तों, ये स्पीकर का वॉल्यूम बेस टेबल्स है, और हमारा बेस का जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो ये है। तो दोस्तों मैं इसको ऑन करता हूँ, ये चालू हो चुका है, ठीक है। तो मैं मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ ब्लूटूथ से। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक गाना और प्ले करता हूँ, और इसकी बेस आपको कैसा सुनाई दे रहा है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो मैं एक गाना और प्ले करता हूँ इसमें, ठीक है दोस्तों।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।